हेलो एवरीवन, आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है टॉपिक करेंगे और वो है एडिशन ऑफ टाइम, मींस एडिशन ऑफ आवर्स, देन एडिशन ऑफ मिनट्स एंड एडिशन ऑफ सेकंड्स, ओके। और ये जो एडिशन है ना टाइम का, जो हम नॉर्मल एडिशन करते हैं उससे क्या है, डिफरेंट है। अब हमें क्या करना है, हमें ऐड करना है 13 आवर्स 45 मिनट्स 25 सेकंड्स एंड 10 आवर्स 35 मिनट्स एंड 40 सेकंड्स। हमें इनको क्या करना है, ऐड करना है। सो आवर्स है, मिनट्स है और सेकंड्स है, तो इनको हम क्या लिखेंगे, कॉलम वाइज लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, कॉलम वाइज। सो हमने फर्स्ट कॉलम बनाया आवर्स का, नेक्स्ट हमने कॉलम बनाया मिनट्स का और नेक्स्ट हमने लिखा सेकंड्स। ओके, सो वन आवर्स में कितने मिनट्स होते हैं, 60 एंड वन मिनट्स में कितने सेकंड्स होते हैं, 60। अब हम जो है ऊपर जो है क्वेश्चन में उसके हिसाब से लिखेंगे, लाइक 13 आवर्स है, देन 45 मिनट्स हैं, उसके बाद कितने सेकंड्स हैं, 25 सेकंड्स हैं, ओके। प्लस उसके बाद कितने आवर्स हैं, 10, उसके बाद कितने मिनट्स हैं, 35, उसके बाद कितने सेकंड्स हैं, 40, ओके। अब हम इन्हें करेंगे ऐड, ओके। 5 + 0 = 5, 2 + 4 = 6, नाउ 5 + 5 = 10, सो 0 हियर एंड 1 कैरी। नाउ 4 + 3 = 7, 7 + 1 = 8, Now 3 + 0 = 3 and 1 + 1 = 2, ओके। सो अब हमारा आंसर आ गया 23 आवर्स 80 मिनट्स एंड 65 सेकंड्स। पर ये हमारा आंसर नहीं है, क्यों नहीं है, क्यों, क्योंकि 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड्स होते हैं, है ना। सो ये जो नंबर है 65, ये क्या है, 60 से इक्वल भी इक्वल नहीं है, 60 से क्या है, ज़्यादा है। सो अगर यहाँ पे अगर जो नंबर लिखा है वो 60 हो या 60 से ज़्यादा हो, सो हम यहाँ से कुछ सेकंड जो है यहाँ पे ले जाएंगे, कैसे कि हम इसे ब्रेक कर देंगे। ब्रेक कैसे करेंगे, लाइक 65 में 60 अलग कर दीजिए, क्योंकि 1 मिनट किसके इक्वल है, 60 सेकंड्स के, और 60 निकाल दिया तो कितना बचा, 5, है ना। अब ये जो 60 है ये हम यहाँ पे मिनट्स में हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। सो 80 + 1 यहाँ पे हो गया, 80 + 1 = 81 मिनट्स, और यहाँ पे हमारे पास कितने सेकंड्स बचे, सिर्फ 5 सेकंड्स। कितने बचे सेकंड्स, 5 सेकंड्स, ओके। अब ऐसे आप देखिए, अब यहाँ पे 80 + 1 कितना हो गया, 81, अब 81 हो गया, अब ये आ गया 81। अब हम 1 hour इज इक्वल टू हाउ मेनी मिनट्स, 60 मिनट्स, सो हम इन्हें 60 में ब्रेक कर सकते हैं, लाइक हमने 60 अलग कर दिया। अब 60 अगर माइनस कर दे 81 में से तो कितना बचेगा, 21 बचा, है ना। सो 1 hour इज इक्वल टू 60 मिनट्स, सो ये जो 60 मिनट्स है अब हम इस यहाँ पे क्या कर देंगे, 1 hour ऐड कर देंगे, तो 23 + 1 कितना हो गया, 24, और यहाँ पे 60 हमने रिमूव कर दिया तो कितना बचा, 21। सो यहाँ पे हमारे पास आ गया 21 और यहाँ पे हमारे पास आ गया 24, ओके। सो हमारा आंसर क्या आया, 24 आवर्स, देन 21 मिनट्स, देन 5 सेकंड्स, ओके। जहाँ पे भी 60 हो या 60 से ज़्यादा हो तो हम उसको आगे नेक्स्ट जो है बिगर यूनिट जो है उससे में शिफ्ट कर देंगे, ओके। अब नेक्स्ट पार्ट देखिए, अब हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है, ऐड 35 आवर्स 45 सेकंड्स एंड 3 आवर्स 30 सेकंड्स। सो अब हम कॉलम्स में लिखेंगे आवर्स, मिनट्स एंड सेकंड। क्यों मिनट्स क्यों लिखेंगे, क्या पता अगर हमारे पास सेकंड जो है 60 से ज़्यादा हो तो हमें मिनट्स में शिफ्ट करने पड़ेंगे, है ना। सो हम तीनों जो है लिखेंगे कॉलम वाइज, आवर्स देन मिनट्स देन
seconds. Okay, ab how many hours? 35. Then how many seconds? 45. How many hours? 3. How many seconds? 30. Now we will add. Okay, ab aap dekhiye, 5 plus 0, 5. 4 plus 3, 7. 5 plus 3, 8 and 3 as it is. ओके अब ये जो है 60 या 60 से ज़्यादा होना चाहिए. अब ये 60 से क्या है, ज़्यादा है 75. 75 इज़ ग्रेटर देन 60. सो हम इसको ब्रेक कर देंगे. 60 और 60 जब हम इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 15, है ना. लाइक 75 में आप जब 60 माइनस करोगे, सो 5 माइनस 0 5, 7 माइनस 6 1, है ना. नाउ 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं, 60 सेकेंड्स होते हैं. तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 60 हटाएंगे और मिनट्स में हम लिख देंगे 1. ओके, सो यहाँ पे हमारे पास कितने सेकेंड्स बचे, 15 सेकेंड्स बचे. कितने सेकेंड्स बचे, 15 सेकेंड्स बचे. ओके, अब जो मिनट्स हैं वो तो 1 ही है, 60 से कम है, तो अब हम चेंज नहीं करेंगे. सो अब हमारा आंसर क्या आ गया, 38 आवर्स 1 मिनट्स एंड 15 सेकेंड्स. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राम स्टार्ट हिज जर्नी. सपोज यहाँ से जो है राम ने अपनी जर्नी जो है स्टार्ट की. ही वॉक्स 45 मिनट्स बाय फुट. उसने जो है वॉक करी कितने मिनट्स, 45 मिनट्स. ओके, बाय फुट, ठीक है, पैदल चल के गया. एंड फर्दर वॉक्स फॉर 1 आवर्स 25 मिनट्स टू अराइव द डेस्टिनेशन. सपोज डेस्टिनेशन यहाँ पे, सो उसने यहाँ से फिर फर्दर जो है वॉक करी कितने आवर्स, 1 आवर्स देन 25 मिनट्स. ओके, सो उसे हाउ मच टोटल टाइम डज इट टेक टू रीच द डेस्टिनेशन. तो उसे कितना टाइम लगा डेस्टिनेशन तक पहुँचने में, यहाँ से जर्नी स्टार्ट करी थी और यहाँ तक पहुँचने में उसे कितना टाइम लगा. तो पहले 45 मिनट्स लगे, फिर उसने वॉक करी कितने मिनट्स, 1 आवर्स 25 मिनट जो है उसने वॉक करी. सो अब हम दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे. तो जब हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल टाइम. अब लाइक उसने जो वॉक की है वो आवर्स में की है और मिनट्स में, ठीक है, सेकंड्स नहीं है. तो हम जो है आवर्स एंड मिनट्स को हम क्या लिखेंगे, कॉलम वाइज लिखेंगे. ओके, नाउ पहले जो उसने वॉक करी फुट से वो कितने मिनट्स करी, 45. आवर्स नहीं है तो हम उसे ब्लैंक छोड़ देंगे, आप जीरो भी लिख सकते हो. ओके, फिर उसने फर्दर वॉक करी 1 आवर्स 25 मिनट्स, 1 आवर्स देन 25 मिनट्स. अब हम दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे. सो 5 प्लस 5 10, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 1 7 एंड 1. अब ये जो 70 है ये 60 से ज़्यादा है ना. सो अब हम इसे ब्रेक कर सकते हैं, लाइक 60 और एक 70 में से 60 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 10. सो और ये जो 60 है, क्यों, क्योंकि 1 आवर्स इज इक्वल टू हाउ मेनी मिनट्स, 60 मिनट्स. सो अब यहाँ से हम 60 ले जाके हम कहाँ पे ऐड कर देंगे, 1 इधर ऐड कर देंगे, है ना. सो हमारे पास कितने आवर्स हो गए, 2 आवर्स हो गए. और यहाँ पे हमारे पास कितने मिनट्स बचे, 10 मिनट्स. सो टोटल टाइम उसको डेस्टिनेशन तक पहुँचने में कितना लगा, 2 आवर्स 10 मिनट्स. ओके, सो इस तरीके से जो है हम जो है एडिशन ऑफ टाइम जो है करते हैं. एडिशन ऑफ टाइम में जो लास्ट में जब हम ऐड कर लेते हैं उसके बाद हमें जो चेंजेस करने पड़ते हैं, क्यों, क्योंकि 1 आवर्स इज इक्वल टू 60 मिनट्स. तो जो 60 या 60 से ज़्यादा मिनट्स हैं वो हम कहाँ पे शिफ्ट कर ले जाएंगे, आवर्स में ले जाएंगे. ओके, इसी तरीके से 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड. तो अगर सेकेंड्स में अगर कुछ 60 या 60 से ज़्यादा है तो हम वहाँ पे कहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, मिनट्स में कर देंगे. ओके, होप यू लाइक माई वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.